सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 10th अक्टूबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:06 हो रहे हैं. थर्सडे वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मूव हो सकता है. 6 दिन के गिरावट के बाद कल हमने देखा कि एक 200 पॉइंट का अपसाइड मूव निफ्टी में एक ही दिन में हमें देखने को मिला. तो ये जो 6 दिन का गिरावट आया है इसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो अभी इसे टेक्निकली रिकवरी फेज ही कहेंगे. अगर इसे ये अपसाइड रैली में अगर कंटिन्यू होना है तो कौन से लेवल के ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 9th अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,157 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,112. तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. शुरू में निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ये ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, और कुछ देर के बाद जैसे इसने ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक किया तो नीचे लो लगाया 11,090 का, ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के पास. और यहाँ पर इस सपोर्ट टेस्ट करके फिर से ये टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, और हमारा ब्रेकआउट लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 11,175 ये अचीव्ड हुआ, और सेकंड टारगेट 11,193 ये भी अचीव्ड हुआ, और उसके बाद भी और जबरदस्त अपसाइड रैली हमें देखने को मिला. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली लगातार दूसरे दिन. डाउ जोन्स, नासडैक हरे निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी पॉजिटिवनेस देखने को मिला. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट, हांगकांग मार्केट और जापानीज मार्केट तीनों भी पॉजिटिव मूड में इस समय दिखाई दे रहे. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है इसका कभी कभी काफी जबरदस्त असर देखने को मिलता है. यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव खबरें आ रही है, कभी निगेटिव खबर आ रही है. तो ओवरऑल थोड़ा मिक्सअप देखने को मिल रहा है हमें. तो हर एक बॉटम पे यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है और टॉप पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है. तो इस मार्केट में अभी जो ये फेस चल रहा है ये ट्रेडिंग के हिसाब से ज्यादा बेहतर है. अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. ऐसे बॉटम्स यहाँ पर मार्केट में मिलना काफी मुश्किल होते हैं, ऐसे कम बार ऐसे मौके मिलते हैं. तो ऐसे वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक जबरदस्त मौका है, अच्छा टाइम है. अगर आप नए हैं, अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया है तो ZERODHA, अपस्टॉक्स और 5% तीनों डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है, NSE रजिस्टर्ड है. अगर आप यहाँ से कोई भी एक अकाउंट ओपन करते हैं हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर तो आपको हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है. ZERODHA और अपस्टॉक्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है ब्रोकरेज के लिए, और FNO के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फ्लैट 20 रुपीज ये ब्रोकरेज चार्जेस है. तो आपको जस्ट यहाँ से अप्लाई करना है और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको एंटर करना है और आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी. एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो आपको क्लाइंट आईडी हमारे इस नंबर पे कॉल करके आपको कंफर्म करना है. तो ये एक ट्रेडिंग फैब के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रो था. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. उससे पहले डाउ जोन्स और SGX निफ्टी को भी देख लेते हैं, दोनों भी इस समय निगेटिव मूड में ट्रेड कर रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. ये है निफ्टी का चार्ट. कल हमने देखा 200 पॉइंट की जो तेजी आई है ये एग्जैक्ट ये 20 EMA का ये जो लेवल था इसको पेनेट्रेट करने के बाद आया है. तो ये जो मूविंग एवरेजेस है काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं हर एक टाइम पर. तो यहाँ पर अभी ये फिर से एक बार ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है. ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, अभी भी 2 दिन बाकी है वीक खत्म होने के लिए. आज एक्सपायरी है तो ये क्लोज कहाँ पे होता है इसके ऊपर ये निर्भर हो सकता है. ये जो 500 पॉइंट की गिरावट आई है इसके बाद ये अपसाइड मूव आया है तो ये रिकवरी फेज हो सकता है.
जब तक ये लास्ट स्विंग को अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो लास्ट स्विंग है इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब ये जो लाइन चार्ट का अगर ये लाइन है, ये अगर इन स्विंग हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू हो। तो फिलहाल ये अभी रिकवरी फेज माना जाएगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं इसे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, अभी 38.2% का यहाँ पर हमें ये जो 11,197 है ये ऑलमोस्ट 50 EMA के पास आ रहा, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। ऊपर अभी अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर मूव होता है तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, ये जो जंप आया था ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ था और एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था। पास्ट में भी देखे तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था। तो इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है ये ऑलमोस्ट 11,400 के पास है, ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 11,400 के पास है। तो ऊपर अगर ये मूव होता है तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,400 का होगा और उसके बाद 11,550 का यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अभी देख सकते हैं 50 EMA सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी 11,200 ये सपोर्ट का लेवल, फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है इसके नीचे इस वीक में क्लोज होता है तो ही हमें निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर इस समय बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बार रिवर्सल पैटर्न बना है, यानी प्रीवियस बियरिश कैंडल का ये जो हाई है इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन बार बना है इसका हाई है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ पर और भी तीनों मूविंग एवरेजेस है, इसके ऊपर आके फिर से एक बार क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये रिकवरी फेज है। अभी इसे अगर यहाँ से और कंटिन्यू करना है तो हमें यहाँ पर एक डिसीजिव मूव आते हुए देखना जरूरी है, तो ही हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से ये अपसाइड रैली कंटिन्यू हो सकती है। अभी भी स्ट्रक्चर देखे तो बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है ये मिक्स्ड अप है, ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये फिर से यहाँ से अभी टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ मूव करता है और ये जो लो बना है अभी ये स्विंग लो बना है, यानी 11,126 इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो यहाँ से और भी ये पैनिक मूव हमें और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो 200 पॉइंट का ये जो जंप आया है ये रिकवरी मानकर चल सकते हैं हम। यहाँ से कोई भी डिसीजिव मूव आता है तो ही हम अपसाइड यहाँ से और भी रैली बढ़ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो कल का हाई इसने बनाया था ऑलमोस्ट 11,322 के पास, ये अगर ब्रेक करता है तो ये हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो यहाँ पर गैप एक क्रिएट हुआ था पास्ट में, तो ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 11,343, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,365, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो काफी डिफिकल्ट होगा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाना इंट्राडे के लिए, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। 50 EMA का सपोर्ट लेवल है, फिर 100 EMA का, फिर 20 EMA का सपोर्ट लेवल है, तो काफी मुश्किल होगा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाना। जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है वही ये शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए देखे। अगर ये 50 EMA यानी ये जो ब्लू लाइन है, ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये ऑलमोस्ट जहां पर इसने पास्ट में एक सपोर्ट टेस्ट किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी समय इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया था अराउंड 3rd अक्टूबर के पास, इस लेवल के पास जहां पर अभी ये 50 EMA आ रहा है। तो 11,292 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,270, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA जो कि अराउंड 11,242 के पास है।
तो ये है आज के लिए हमारे इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।